नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट। यहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपका नॉलेज अपडेट करता रहता हूँ। कोई कमेंट करके पूछता है तो समय मिलने पर उसका भी वीडियो बना देता हूँ। आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके वीडियो आप अवश्य देखें, उसमें बहुत सारा ज्ञान आपको सीखने को मिल सकता है। रणधीर कुमार जी पूछ रहे हैं कि PHGR के बारे में बताइए। तो देखिए, PH का मतलब होता है पंप और GR का मतलब ग्रेजुएटर। तो ग्रेजुएटर का जो पंप है, यानी कि GR का जो पंप है, टेप चेंजर का जो पंप है, उसका नाम है PHGR। वो क्यों लगाया गया है? ताकि GR का ऑयल सर्कुलेट होता रहे। जैसा कि हम जानते हैं, GR में से हाई करंट पास होता है तो गर्म होता है, तो उसमें ऑयल भरा रहता है। अब उस ऑयल को सर्कुलेट करना भी जरूरी है ताकि वो ठंडा होता रहे। उसके लिए कोई ब्लोअर नहीं है, सिर्फ पंप लगाया है ताकि ऑयल सर्कुलेट होता रहे, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता रहे। इसके लिए जो पंप लगा है उसका नाम PHGR है। उस PHGR को कैसे चलाते हैं, उसमें कौन सी सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ से जाती है? तो वो एक ऐसा पंप है जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत नहीं है, बिना इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला पंप है। और वो पंप चलता है प्रेशर से। जैसे अपने लोगों के अंदर वाइपर चलते हैं, तो वाइपर में कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई तो है नहीं, वो हवा से चलते हैं। उसमें ऐसी मोटर है हवा से चलने वाली, जैसे सर्वो मोटर लगी है वो पेंटो की, वो भी हवा से चलती है, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है। तो PHGR की मोटर भी हवा से चलती है और वो हवा जाती है EVPHGR इलेक्ट्रोवाल से। और EVPHGR जो लगा हुआ है वो SMGR पैनल पर लगा हुआ है। और EVPHGR की कॉइल को सप्लाई मिलती है 6 से 12 नॉच का जो कैम कॉन्टेक्ट है GR का, वो लगा हुआ है। जैसे 6 नॉच पे जाएगा GR, तो EVPHGR की कॉइल एनर्जाइज होगी, हवा का रास्ता खुलेगा और हवा जाके PHGR पंप को चलाएगा और PHGR जो है ऑयल को सर्कुलेट करेगा। ये 6 नॉच के बाद ही चालू होता है। 6 नॉच के बाद जब आप कॉरिडोर 2 में जाएंगे, GR के पास खड़े होंगे, तो वहां पे आपको आवाज आएगी जिससे मालूम पड़ेगा कि GR का पंप यानी कि PHGR चल रहा है। ये नहीं चले तो TLC को सूचित करेंगे, ज्यादा इसकी कोई सावधानी नहीं है। सिर्फ कन्वेंशनल लोगों में होता है। 3-phase में क्यों नहीं होता? क्योंकि 3-phase में GR नहीं होता है। इसके लिए सिर्फ कन्वेंशनल लोगों में ही PHGR लगाया जाता है। धन्यवाद।